सर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपके चैनल से जुड़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। जो भी हमारे डाउट्स आते हैं होते हैं, आप उसको टाइमली उसको सॉल्व करते हैं। आप जो 300 रुपये में जो आपने एक क्रैश कोर्स शुरू किया है, वो बहुत ही बेहतरीन, मैं बताऊँ बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। इसमें जितने प्रकार के भी डाउट होते हैं आप उन्हें टाइमली सॉल्व कर देते हो। आपके समझाने का तरीका जो होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया होता है। मैं बस इतना ही कहूँ चाहूंगा, बस इस बार आपके चैनल से जुड़ने के बाद ये मेंस क्लियर हो जाए। मैं आपको बहुत बहुत थैंकफुल रहूंगा। थैंक यू सो मच। सो वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम डोज। और वाई एक्चुअली आई हैव प्लेड दिस वीडियो, ठीक है, ये मैंने क्यों चलाया मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वीडियो चलाने का मकसद जो है यहाँ ये है कि आपको एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप जाके किसी भी एग्जाम में सक्सेस पा सकते हो। हाउ एक्चुअली आई हैव क्रैक द एग्जाम, सेम थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू, ठीक है, कि एग्जाम को कैसे निकाला जाता है। ये वीडियो बेसिकली जो आपने अभी देखा वो वीडियो जो था वो बेसिकली है आपका इस कोर्स के लिए। आपको नॉमिनल चार्जेस पे मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको क्रैश कोर्स, वीडियो क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है, अगर सिंगल परसेंट भी अगर डाउट है कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग कमज़ोर है जिसके कारण आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे या आपसे नहीं निकला है प्रीवियसली, तो आपको ये ज्वाइन करना है। बस वो वीडियो आपका ट्रस्ट के लिए था। ट्रस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस बार नहीं चूकना है। हमारा ये क्या है, ये एक मोटो है, ठीक है। तो इस बार जो वो 2 स्टार है मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। देखो हमारा जितने भी ग्रुप में पर्सन होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि उसमें से 100% सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे। आप बोलोगे कि सर सीट जितना होगा उससे अगर ज़्यादा ज्वाइन कर लिए तो डेफिनेटली तब तो क्या आएगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कंसेप्ट आएगा और वही लोग उसके बाद परफॉर्म मैक्सिमम करेंगे जो उसमें फिर फाइट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको 0% भी डाउट है कि आप मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं कर पाओगे, तो प्लीज़ मैं फिर से बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि इस बार मत चूकना। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, आप कंटेंट देखोगे आपको तब पता चलेगा। ये नॉमिनल चार्जेस भी इसलिए रखा गया है ताकि जब आपने पर्सनल डाउट भेजते हो तो मैं हर एक किसी का डाउट ले पाऊँ, नहीं अगर फ्री रहेगा तो डेट विल बी नॉट पॉसिबल। नीचे आपका नंबर दिया होगा, प्लीज़ आप कॉल करो। और इस बार अगर आपने दरोगा प्री अगर आपने निकाला है तो मैथ्स एंड रीजनिंग में मत चूकना, आपको 20 out of 20 लाना है, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, इतना मेहनत बस उसी लिए किया गया है कि जस्ट मेक श्योर इस बार आपको चूकना नहीं है। जीएस का हम लोग आज 3rd पार्ट करने वाला है, हर एक वीडियोस में आपका एक नंबर पक्का होगा। देखो एक बात बताता हूँ मैं, जीएस ना, ठीक है, मुझे जितना समय मिलता है, ठीक है, बेसिकली रात को ही मिल पाता है, तो देखो तो क्या है कि मैं जीएस में आपके पूरे दिमाग में छाप दूंगा, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है, ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी इन द सेंस आपको चीजों को याद करके रखना है, और वो जब आप ज्वाइन कर लोगे आप एग्जाम तो वो ऐसे भी यूज नहीं आएगा, बाद में देख लेना। आइदर आप जब तक मेरे जैसा कर, अगर किसी को आप पढ़ाते हो तो डेफिनेटली आपको वो यूज आएगा, ठीक है। तो प्लीज क्या करना है आपको, अगर मेंस दे रहे हो तो वो ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और जीएस का मैं हर एक, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आऊंगा जिससे आपका सियोर 1 मार्क कंफर्म होगा, ठीक है। जल्दी से बात करते हैं हम लोग कि हम लोग ने अभी तक क्या कंप्लीट किया। ये 3रा वीडियो है, पहला वीडियो जो हम लोग ने किया था वो था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, ठीक है, उसके जो इम्पोर्टेंट समिति थी, ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट आयोग बने थे उसके हमने किया था, जहाँ से सियोर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा हम लोग ने किया था रॉक्स यानी कि चट्टान, ठीक है, वो वन ऑफ दी मतलब डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, पर मैंने उसको भी बहुत ही इजी से मैंने आपको करा दिया। और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारा क्या, भारत में महत्वपूर्ण समितियां और आयोग। इससे सियोर शॉर्ट है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आज आप इस जब वीडियो को खत्म कर लोगे अंत तक, आपका 1 मार्क जो है वो क्या हो जाएगा, 1 मार्क आपका पक्का है कि वो कन्फर्म हो जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, आपको कुछ नहीं सोचना है। जब भी मैं जीके ट्रिक का वीडियो लाता हूँ आपको शांति से बैठ जाना है, ठीक है, पूरा दिमाग में ये आपका छप जाएगा, इट विल ड्रिल इन योर माइंड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते, देखो तो पहला आता है महाजन समिति, ठीक है, क्या आता है आपका महाजन समिति। अब याद कैसे रहोगे महाजन समिति, बस आपको वर्ड करने का ना एग्जाम में आप टिक मार के आओगे, ठीक है। देखो महाजन समिति इसको 2 पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा भार ना हो, ठीक है, और आप में पूरा का पूरा जितना इंपॉर्टेंट जीएस है मैं आपको इसी तरीके से रटवा दूंगा।
देखो महाजन समिति, महाजन, महाजन के पास आप क्यों जाते, तो आपको बस इतना याद रखना कि आप इस बार जब महाजन के पास गए थे, दुकान का जो महाजन होता है, आप क्या लेने गए थे, तो चीनी लेने गए थे, ठीक है। तो चीनी उद्योग जो है क्या से रिलेटेड है, आपका महाजन से रिलेटेड है, ठीक है। ज्ञान प्रकाश समिति, ठीक है, तो ज्ञान, ज्ञान की बातें जो होती है ना हमेशा बहुत ही मीठी होती है, ठीक है। तो ज्ञान प्रकाश समिति जो है ये चीनी घोटाला से है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो दो आपको चीनी दो याद रखना, एक तो आपको क्या रखना है, महाजन समिति, महाजन के पास आप क्या लेने गए, चीनी। आप टिक मार लोगे, एग्जाम में देखोगे आप टिक मार लोगे, यू नो नीड टू वरी, ठीक है। मैं आपको हो सकेगा तो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दूंगा। ज्ञान प्रकाश समिति, ठीक है, तो ज्ञान की बात क्या होती है, बहुत ही मीठी होती है चीनी की तरह। तो ज्ञान प्रकाश समिति क्या है, आपका चीनी घोटाला, थोड़ा डिफ्रेंशिएट है, आप वो दिमाग में रखोगे। अब देखो मल्होत्रा, आप जितना भी रट लो, ठीक है, आप दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद चीजों को भूल जाओगे, बट जिस तरीके से मैं पढ़ाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ निमोनिक से, आप कभी नहीं भूलोगे, मैक्सिमम टाइम आप स्कोर कर ही लोगे। मल्होत्रा समिति, ठीक है, मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र से रिलेटेड, आप इसको कैसे याद, देखो मल्होत्रा से आप क्या पकड़ोगे, माल, माल मतलब क्या, मनी। तो जिसके पास मनी होगा वही तो बीमा करेगा। मान लो किसी गरीब को आप जाके बोलोगे कि बीमा कर लो, बीमा कर लो, कभी करेगा वो नहीं करेगा यार, उसके पास तो माल ही नहीं है, ठीक है। तो मल्होत्रा समिति जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बीमा से। मल्होत्रा देखोगे तो माल आपको दिमाग है, माल से क्या, माल है मेरे पास तो मैं क्या कराऊंगा, बीमा कराऊंगा। रंग राजन समिति, अब देखो रंग अगर आपने किसी को लगा दिया तो वो तो क्या आपको छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, वो उसका भुगतान करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मतलब रंग राजन समिति जो है भुगतान, आप कैसे याद रखोगे, रंग राजन, आपने किसी को रंग लगा दिया तो आप भुगतोगे, आप डेफिनेटली आप भुगतोगे, आप किसी को आपने रंग लगाया है तो क्या आपको छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, तो आप तो क्या होगा, भुगतना तो पड़ेगा, आपको भी वो लगाएगा, ठीक है। तो जैसे ही देखोगे रंग राजन समिति, मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको चीजों को माइंड मैपिंग करा रहा हूं, ठीक है। तो रंग राजन समिति, जैसे देखोगे रंग, रंग राजन, अरे रंग लगाए तो अब तो छोड़ेगा नहीं, भुगतान तो करेगा, तो भुगतान संतुलन। अब देखो सरकारी समिति, सरकार क्या होते है, दो तरीके का सरकार होता है, एक क्या होता है आपका सेंट्रल और दूसरा क्या होता है आपका स्टेट, ठीक है। तो यही केंद्रीय राज्य, ठीक है, केंद्रीय और राज्य वित्तीय संबंधन, ठीक है, वित्तीय संबंधन। तो सरकार से जैसे देखोगे तो एक होता है स्टेट, ठीक है, और एक होता है आपका यूनियन, मतलब केंद्र और राज्य। तो जैसे देखो सरकार, सरकार क्या होता है, दो तरीके का होता है, केंद्र और राज्य। तो केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध को कौन बताता है, तो वो है आपका कौन, सरकार या समिति, ठीक है। अब आता है सत्यम समिति, सत्यम समिति जो रिलेटेड है वो है आपका वस्त्र। देखो आप इसको दो तरीके से कनेक्ट सकते हो, आपने अगर सत्यम, देखो सत्यम वस्त्रालय बहुत ज्यादा होता है, अगर आप तो डायरेक्टली याद सकते हो तो ऐसे याद रखना, सत्यम वस्त्रालय आपने, ठीक है, इस बार कुछ खरीदा, अपना कपड़ा खरीदा, कुछ भी खरीदा, कहाँ से खरीदा, सत्यम वस्त्रालय से। कहाँ से खरीदा मेरे साथ बोलो, कहाँ से खरीदा आपने, सत्यम वस्त्रालय से खरीदा। तो सत्यम समिति जो किससे रिलेटेड है, वस्त्र नीति। अगर आपको इस तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो इसको, कि देखो ये सत्य बात है कि रोटी कपड़ा मकान ही जो है वो क्या है, बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान। तो सत्य बात है क्या, कि कपड़ा चाहिए, तो सत्य बात क्या, आपको कपड़ा चाहिए, मतलब वस्त्र चाहिए। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, एकदम याद हो गया, मैं जैसे बोलूंगा सत्य, सत्यम समिति, सत्य समिति, मैंने क्या, सत्य, सत्य मतलब कि आपको वस्त्र तो चाहिए होगा, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान। कोठारी आयोग, ठीक है, तो ये क्या है आपका, शैक्षिक सुधार। देखो तो इसको कैसे याद रखोगे, कोठारी मतलब कोठली में, ठीक है, आप भी देख लोगे कंपटीशन इतना ज्यादा है, ठीक है, कि लोग कोठली में बंद हो के, ठीक है, शिक्षा लेते हैं, कैसे, कोठली में बंद हो के शिक्षा लेते हैं और पढ़ते ही रहते। तो जैसे ही देखोगे आपका कोठरी, ठीक है, आप कोठारी देखोगे, आयोग देखोगे, कोठारी आयोग, तो आपको क्या दिमाग में, कोठली, कोठली में क्या करते आप, शिक्षा लेते थे एकदम बहुत ही जी जान से। बट एक चीज याद रखिएगा, ज्यादा पढ़ने से नहीं, स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी पे ध्यान जरूर दीजिएगा। जैसे कि ये देखो, ये चीजों में याद कर पा रहा हूँ, इसको देखो, ये स्मार्ट स्टडी है, इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। यही रटोगे तो फिर डेफिनेटली इसमें क्या होता है, देखो ये जब पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होता है कि आपको माइंड पे कितना आप प्रेशर दे रहे हो, ठीक है। तो कोठारी आयोग, ठीक है, तो कोठली में भर के आपने क्या लिया, शिक्षा लिया, तो कोठारी किससे हो जाएगा, कोठली और शैक्षिक सुधार। गोस्वामी और तिवारी समिति जो है ये आपका उद्योग से रिलेटेड, ठीक है, उद्योग, रुगंधा, रुगंधा मतलब बीमारी, ठीक है। अब देखो तिवारी जी ने क्या लगाया, उद्योग लगाया, ठीक है, क्या का, गौ का, ठीक है, बस आप इतना लिखो, आपने देखा एक तिवारी जी, तिवारी जी ने क्या का उद्योग लगाया, तो गौ का, मतलब बहुत सारे गाय उन्होंने पाल रखा है, ठीक है। तो तिवारी जी ने क्या का उद्योग लगाया है, तो गौ का लगाया है। तो तिवारी जी, उद्योग और गौ, आप तीनों साथ में याद हो, जैसे आपको बोलेगा गौ, गौ का क्या लगाया, तो उद्योग, ठीक है, तो उद्योग रुगंधा, तिवारी जी ने ही लगाया था वो उद्योग, ठीक है। तो उद्योग समिति मतलब उद्योग, रुगंधा जो किससे रिलेटेड आपका, तो आपका
गोस्वामी समिति से और तिवारी समिति से। अगर मैं पूछ दूं गोस्वामी समिति किससे रिलेटेड है, सिंपल आप डायरेक्टली बोलोगे उद्योग से, ठीक है, उद्योग रुगंता। क्यों? क्योंकि गौ का आपने क्या लगाया था, उद्योग लगाया था। किसने लगाया था? तिवारी जी ने, तिवारी समिति। ठीक है, एकदम आपके दिमाग में ये बैठ रहा है। अब देखो भूरे लाल समिति, ठीक है, तो मोटर वाहन कर वृद्धि, ठीक है, आप इसको कैसे याद रखोगे? देखो अभी आप इसको दो तीन तरीके से याद रख सकते हो, मैं डायरेक्टली एक सिंपल वाला बता। जैसे अभी देख रहे हो कि अभी क्या हुआ है कि भूरे लाल, ठीक है, भूरे लाल आप लाल हो गए क्या गुस्से से? कब? जब आपको ये पता चला कि अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट जो हुआ है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म कर दिया गया और पैसा बहुत ही वृद्धि कर दिया गया, ठीक है, तो जिससे आप क्या हो गए? भूरा, एकदम लाल हो गए गुस्से से। या आप ऐसे कर सकते हो कि देखो आप डायरेक्टली याद रखो कि भूरे लाल, ठीक है, आप लाल हो गए, भूरा कोई नाम था, ठीक है, वो लाल हो गया क्यों? जब उसको पता चला कि मोटर वाहन जो नया एक्ट के हिसाब से जो पैसा है, मतलब जो भी उसमें अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपका जो कटता है चालान उसका जो प्राइस बहुत बढ़ा दिया। तो उतना याद नहीं रखना है, भूरे लाल समिति क्या मोटर, बस इतना याद हो गया। तो भूरे लाल जो है लाल हो गया, भूरा कोई नाम था, उसने लाल हो गया क्यों? जब वो मोटर के बारे में सुना कि उसका जो मतलब जो चालान करता था उसका नाम बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आप डायरेक्टली इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जब मोटर से क्या, जब धुआं निकलता है तो कैसा निकलता है? भूरा, काला, ठीक है, तो भूरे रंग का क्या निकला आपका? मोटर से धुआं निकला। आप एग्जाम में देखोगे आप टिक मार्क के आ जाओगे, ठीक है। सुंदर राजन समिति, ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? देखो तो सुंदर राजन, सुंदर कौन होगा? जो तेल लगाएगा, डेफिनेटली जो राजन लोग, राजन आप समझ रहे हो, ठीक है, पुराने समय में राजा को राजन भी बोलते हैं, तो उन लोग बहुत सुंदर होते थे। क्यों? सुंदर राजन, राजन बहुत सुंदर है, क्यों? क्योंकि वो तेल लगाता है, ठीक है, अच्छे अच्छे तेल लगाते हैं। तो सुंदर राजन समिति जो होगा आप डायरेक्टली देखोगे सुंदर, क्यों क्यों सुंदर था राजन? क्योंकि वो तेल लगाता है, तो तेल क्षेत्र से। हजारी समिति, ठीक है, आपके पास हजार है, ठीक है, तभी तो आप उद्योग लगाओगे, तो हजारी समिति जो है आपका उद्योग नीति से, ठीक है। और आपके पास पैसा होगा, हजारों रुपया होगा, तभी आप उद्योग के बारे में सोच भी सकते हो, उसका नीति भी बना सकते हो। तो आपको इस तरीके से भी चीज़ों को एकदम कम्प्लीटली भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो हजारी समिति जो किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका उद्योग नीति से रिलेटेड है, ठीक है। दत्ता समिति, ठीक है, ये आप याद रखना डायरेक्टली, क्योंकि वो बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो दत्ता समिति जो ले लेता था ये औद्योगिक लाइसेंस से ले लेता था। क्या से था? औद्योगिक लाइसेंस से। तो उद्योग वाला काफी आ गया, पर घबराने की जरूरत नहीं। अभी जैसे हम लोग गोस्वामी समिति किससे ले लेता? उद्योग क्या? रघुनता, ठीक है, ये देखो रघुनता इससे रिलेटेड था। और आपको यहाँ औद्योगिक लाइसेंस है, और हजार हजार आपके पास होगा तभी तो उद्योग लगा। ऐसे आप ऑप्शन में इस तरीके से होगा कि आप टिक मार लोगे, यू नो नीड टू वरी, ठीक है। गॉडगिल समिति, ये क्या आपका? कृषि वित्त से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? कृषि वित्त से रिलेटेड। अब देखो कृषि से मैं यहाँ कृषि पकड़ता हूँ, यहाँ से मैं गॉड पकड़ता हूँ, ठीक है। तो आजकल जो कृषि है टोटली गॉड पे बेस्ड है, मतलब भगवान पे बेस्ड है। कैसे बोलो? क्योंकि क्या होता है कि पानी अगर सही से हुआ तो कृषि भी आजकल क्या होता है, सही से हो, चाहे एग्रीकल्चर सही से होता है। तो आप देखते भी हो अभी के किसान को कि हमेशा वो यही आशा में रहता है कि इस बार अच्छा बारिश हो जाए। तो कृषि जैसे ही देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा गॉड, ठीक है। तो गॉडगिल समिति किससे रिलेटेड है? तो आपका कृषि वित्त से, ठीक है। डांडेकर समिति, ठीक है, डांडेकर समिति, ठीक है। देखो तो इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो यहाँ क्या है, डांडेकर समिति जो है क्षेत्रीय असंतुलन, अगर आपने अपने क्षेत्र में असंतुलन फैलाया तो आपको क्या पड़ेंगे? डंडे पड़ेंगे। ये तो काफी इजी, आप इजली कर सकते हो। तो डांडेकर समिति किससे रिलेटेड है? तो क्षेत्रीय असंतुलन से समिति है, ठीक है। किससे? क्षेत्रीय असंतुलन से समिति, ठीक है। भावे समिति, आप किसको ये कैसे याद रखो? भाव, भाव किसका गिरता है? सिंपल से भाव है, तो भावे से भाव, ठीक है। तो भाव किसका? शेयर बाजार का, हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे भाव होते रहते हैं। तो भावे समिति जो है ये शेयर ट्रांसफर सुधार से, ठीक है। तो शेयर ट्रांसफर सुधार से क्या है आपका? भावे समिति। रसीद जिलानी समिति, ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो नगद ऋण प्रणाली से, ठीक है। देखो तो ये आपका रसीद जिलानी समिति, ठीक है। राशि, रसीद से मैंने क्या पकड़ा? राशि। राशि हमेशा कैसे अच्छा लगता है? नगद, जब कोई आदमी नगद देता है तभी अच्छा लगता है, अरे डायरेक्टली हाथ में आ गया, बैंक में जाने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही आप देखोगे रसीद जिलानी समिति, आपको दिमाग में आएगा नगद, ठीक है। क्योंकि अरे यार क्या राशि दे रहे हो, रसीद से मैंने पकड़ा राशि, राशि जब भी देना मुझे नगद ही देना, ठीक है। आप ऐसे बोलते हो ना, राशि मुझे जब भी देना नगद ही देना, ठीक है। तो रसीद जिलानी समिति जो है आपका नगद ऋण प्रणाली से है। सेन गुप्ता समिति, शैक्षित बेरोजगारी, ठीक है। आप डायरेक्टली याद सकते हो सेन, सौ से सेन, सौ से शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। थोड़ा डिफ्रेंशिएट कुछ हो रहे होंगे, तो प्लीज़ आप उसको दिमाग में रखिएगा, आप वो एग्जाम में इजली कर लोगे, ठीक है। वैद्यनाथ समिति, ठीक है। तो वैद्यनाथ समिति जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका सिंचाई के पानी से, ठीक है, समझ में आया।
तो होपफुली चीज़ें आपको समझ में आ गया हो कुछ, एक इसको हम लोग एक और वीडियोस में करेंगे, ठीक है, और ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। देखो जैसे रंग रंजन समिति मैंने क्या बोला था, रंग लगाया हो तो भुगतान तो करना पड़ेगा, तो भुगतान संतुलन। सरकारी समिति केंद्र और राज्य के बारे में बात करता है। महाजन, महाजन के पास क्यों गए थे, चीनी उद्योग, ठीक है, चीनी लेने गए थे। सत्यम मैंने क्या बताया, ये सत्य है, वस्त्र तो सबको चाहिए, ठीक है, तो वस्त्र नीति। कोठारी, कोठारी क्या था, कोठली में बैठ के आप पढ़ते हो, ठीक है, तो शैक्षिक सुधार, ठीक है। गोस्वामी समिति, गोस्वामी मतलब क्या था, औद्योगिक रुग्णता, मैंने बताया कि आपने गौ का क्या लगाया था, उद्योग लगाया था तिवारी जी के साथ, ठीक है, तो तिवारी समिति और गोस्वामी समिति दोनों क्या आपका औद्योगिक रुग्णता, ठीक है। भूरे लाल, भूरे रंग का क्या निकला, भूरे रंग का क्या धुआं निकला था, कहाँ से निकला था, मोटर वाहन से, तो मोटर वाहन कर वृद्धि। सुंदर राजन, सुंदर किससे था, क्योंकि उन लोग तेल लगाते थे, तो तेल क्षेत्र सुधार। हजारी समिति, हजार होगा तो क्या करेगा, औद्योगिक नीति आप बनाओगे, क्योंकि पैसा होगा तभी बनाओगे। तो इस तरीके से कुछ एक नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्वेश्चंस हम लोग बाद में लगाते हैं, ठीक है, पहले हम लोग टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से सियोर सोटे आपको एग्जाम में एक मार्क देखने को मिलेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट में इसको हम लोग एक बार और कर लेंगे, पूरा का पूरा एक मार्क इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, बस आप अपना सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सपोर्ट जरूर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जितने टाइम भी मेरे पास होता है मैं वो आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, तो अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। वीडियो को अगर आप लोग एक एक आदमी को भी शेयर करते हो तो डेफिनेटली जो है मतलब इससे क्या होगा कि और लोग जुड़ेंगे, तो मोटिवेशन बहुत बढ़ता है इससे, ठीक है। और एक चीज़ मैंने ऐड बंद कर दिया है, ठीक है, वीडियोज़ पर ऐड नहीं दिखेंगे, एक ऐड दिखेगा वो भी शायद शुरू में दिखेगा, क्योंकि वो गूगल का टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो एक एड्स आपको हार्डली दिखेगा, ठीक है, ताकि वीडियो वो आगे फॉरवर्ड कर सके, बाकी आपको वीडियोस नहीं दिखेंगे, मेरे वीडियोस में सिर्फ एक दिखेगा, वो भी शुरू में दिखेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, और जैसे कि मैंने शुरू में आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आप मैथ्स निकालना चाह रहे हो, अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, कमजोर है, तो प्लीज़ इस बार ईमानदारी से ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। मैंने आपको इवन आपको और भी वीडियोस मैंने रिव्यू में ऑलरेडी डाले, तो इस तरीके रिव्यू में डालता रहूँगा ताकि एक ट्रस्ट आपके अंदर डेवलप हो। और देखो ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियोस बनते जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्लास करते जा रहे हैं, वो वीडियोस तो आप देख पाओगे, बट एक बार अगर ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे मैंने बहुत कंसोलिडेटेड वे में पूरा का पूरा वीडियोस डिजाइन किए ताकि आप इजीली एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करो। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, और कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिएगा, और इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।